देखिए हम लोग अब क्या देखेंगे कि क्वेश्चन ये टाइप जो है कि ए का कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से कितना परसेंट अधिक है, 60% अधिक है। या तो आपका परसेंटेज में दिया रहेगा कार्य क्षमता, या आपका दिया रहेगा कि बी की कार्य क्षमता ए की क्षमता से कितना गुना है, या तो परसेंटेज में कहेगा या तो क्या कहेगा, तिगुना कहेगा और क्या कहेगा, चौगुना कहेगा। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट? या तो आपका परसेंटेज में दिया रहेगा या तिगुना चौगुना करके दिया रहेगा क्वेश्चन। और कह रहा है कि सर यदि ए अकेले एक काम को कितना दिन में करता है, 80 दिन में, यानी यहाँ पे समय दिया हुआ है। कह रहा है तो अकेले बी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, यानी बी का निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है सर बी की कार्य क्षमता ए की क्षमता की कितना गुना है, किसी काम को समाप्त करने में ए को बी से 12 अधिक समय लगता है। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ दिया था कि ए अकेले काम को कितना दिन में, यहाँ पे आपका क्या दे दिया, अधिक समय लगता है। अधिक मतलब कि कंपेयर करने के लिए बोल रहा है, अब बोल रहा है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दोनों मिलकर काम कितने दिन में समाप्त करेंगे। इस टाइप में दोनों ही टाइप का क्वेश्चन रहता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जैसे बारी बारी से, मान लीजिए कि आज हम काम किए, फिर अगला दिन आप काम किए, ठीक है, अगला दिन वो लड़की काम की, फिर वो, फिर ये, मतलब कि बारी बारी से आदमी काम करता है। अब फिर मेरा बारी कब आएगा, जब जितना स्टूडेंट रहेगा उसके बाद आएगा, नहीं ऐसा हो सकता है ना कि आज आपका चला मैथ का क्लास, ठीक है, कल आपका ले लिए रीजनिंग, ठीक है, परसों रख दिए इंग्लिश का क्लास, फिर मेरा उसके बाद आएगा, यही ना। यानी हम लोग अगला जो टाइप देखेंगे वो कैसा टाइप देखेंगे, बारी बारी से कॉन्सेप्ट वाला, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पाइप पाइप सिस्टम। देखिए आप देखिए यहां से हम क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से कितना परसेंट रखेंगे, ठीक है। तो ए का जो कार्य क्षमता है, ए का जो कार्य क्षमता है बी से कितना परसेंट अधिक है, बी का कुछ आता पता है, तो इसको मान लिए, क्या मान लेंगे, 100, तो ये कितना हो जाएगा, 160। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से कितना अधिक है, 60% अधिक है, यानी बी से कितना अधिक है, 60% अधिक। तो ए का 60% अधिक है तो बी को नहीं पता है तो क्या मान लेंगे, 100। अरे एक्स मानेंगे तो बहुत झंझट ना है, फिर तो 100 पे चले तो यहाँ से क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया कि नहीं, ये कितना बार में जाएगा, 2 से काटते हैं तो कितना बार में जाएगा, 8 बार में, और ये कितना बार में, 5। और ये मेरा क्या दिया है, कार्य की क्षमता, ये क्या है मेरा, कार्य करने की, कार्य करने की क्या है आपका क्षमता है कि नहीं आपका। तो बोले है जो वर्क होता है समय का क्या होता है, इनवर्सली होता है। यानी अगर समय जो हम लोग निकालेंगे a is to b वो कितना है, 8:5 है, तो क्या हो जाएगा जी आपका, 5:2 क्या हो जाएगा, 8। उसका अपोजिट होता है ना, जो समय निकालते हैं कार्य करने की क्षमता का क्या होता है, अपोजिट होता है कि नहीं, कहीं पे कोई दिक्कत आते है? अरे फॉर्मूला बता चुके हैं ना कि समय बराबर क्या होता है आपका, तब काम भाई क्या होता है, कार्य क्षमता। तो यहाँ पे ये जब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, कार्य क्षमता, अब भाई क्या हो जाएगा आपका, कार्य क्षमता, अब भाई क्या हो जाएगा आपका, समय हो जाएगा कि नहीं आपका, होगा समय, तो इसका उल्टा है कि नहीं, यानी जो रहेगा उसको अपोजिट, तो उल्टा है मतलब कि 1/8 करेंगे और 1/5 करेंगे, तो ये भागा में है, इधर कहाँ जाएगा और ये कहाँ आ जाएगा, इधर, समझ रहे ना। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन कहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, कार्य क्षमता दिया रहेगा तो उसका उल्टा कर देंगे, अगर समय दिया रहेगा, कार्य क्षमता दिया रहेगा तो उसको भी क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, मतलब इसका उल्टा उसका उल्टा। अब आप ही सोचिए ए का समय कितना दिन लग रहा है किसी काम को करने में, बी को कितना दिन कर रहा है, कि ए अकेले काम को कितना दिन में करता है, यहाँ पे कितना दिन है, तो 5 के लिए कितना हो गया, तो 1 के लिए कितना हो गया, 16 किसका पूछ रहा है, बी उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो बी कितना दिन में समाप्त कर रहा है, 8 दिन, तो 1 के लिए 8 है, 1 के लिए 16 है, तो बी 8 के लिए कितना हो जाएगा, 16 * 8
तो गुना करते हैं तो कितना आता है? 128। कितना दिन लगेगा इसको? कितना दिन इसको लगेगा? 128। कोई दिक्कत? ऐसे भी इसको ज्यादा समय क्यों लगेगा? क्योंकि इसका जो बी का एफिशिएंसी है कार्य करने की बहुत कम ना है। अरे ये 5 काम करता है दिन में, कितना काम करता है? तो इसको कम समय लगेगा, इसको ज्यादा समय लगेगा। तो इसको कितना लगता है? ए को कितना दिन लगता है? अब बी को कितना दिन लगता है? इस तरह अगर मोशन बन जाएगा, घुमा फिरा के इसमें देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से पढ़ते हैं, देखिए बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता की कितना गुना है जी? किसका 3 गुना है? जैसे बी इसको ए लेंगे तो अगर बी को मानते हैं 1 तो इसका क्या हो जाएगा? 3। बी का 3 गुना है। तो हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं ए इज टू बी, क्या लिखते हैं? 1:3 लिख सकते हैं। तो ये मेरा क्या है? कार्य करने की क्षमता ना है, तो समय निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसका कितना हो जाएगा आपका? 3:1 क्या हो जाएगा? 1। बता चुके हैं यहाँ, पता है ना कि जो कार्य करने की क्षमता होगा समय निकालने के लिए उसका क्या कर देते हैं? उल्टा कर देते हैं। किसी काम को समाप्त करने में ए और बी से 12 दिन का अधिक समय लगता है। कितना दिन का अधिक? 12 दिन। कितना दिन का अधिक? 12 दिन। आपके लिए कितना दिन अधिक है इसमें लग रहा है? ये कह रहा है ए 3 दिन में और ये कितना दिन में? 1 दिन। कितना दिन अधिक? 2 दिन। तो 2 के लिए कितना दिया हुआ है? 2 के लिए कितना है जी? 2 के लिए कितना हो गया? 12। तो 1 के लिए कितना हो जाएगा? 6। 1 के लिए क्या हो गया आपका? 6। 6 हो गया कि नहीं? कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे? तो आप ही सोचिए, ए को कितना समय लग रहा है? 3। तो 3 के लिए कितना हो जाएगा आपका? तो कितना हो जाएगा? 36। और 1 के लिए तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए को अकेले काम करने में कितना समय लग रहा है आपका? ए को कितना लग रहा है? अब बी को कितना लग रहा है? बी को कितना लग रहा है? 6। अरे दोनों मिलकर 7 काम करेगा, तो 7 के लिए क्या बताए थे? एलसीएम बताए थे कि नहीं? अब क्वेश्चन थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया कि नहीं? अरे इसी में पूछेगा, लेवल थोड़ा क्या हो गया आपका? बढ़ गया। अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 18 आया, तो 18 से भाग देंगे तो कितना एफिशिएंसी? इसका कितना आ गया? 3 आ गया कि नहीं? ये क्या होता है? काम होता है ना, ये क्या हो गया? काम। टोटल काम कितना है? 18 भाई, क्या होता है एफिशिएंसी? तो 3 और 1 4। तो कितना दिन लग गया आपका? जो समय लग गया, ए और बी अगर 7 काम करेगा, 7 ना बोल रहा है, तो बोल रहा है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? अगर 7 के लिए ए प्लस बी का कितना हो गया? 18 बाई 4। तो 2 से कितना बार में जाएगा? कितना बार में? तो 9 बाई क्या हो जाएगा? 2, यानी कितना हो जाएगा? तो इसको हो जाएगा 4 गुना 8, यानी कितना हो जाएगा? 1/2 डेज, यानी कितना दिन लगेगा? 4.5 दिन लगेगा उसको, नहीं यानी 4 दिन 12 घंटा, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? अरे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? तो दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेगा? 4 दिन 12 घंटा, क्योंकि 1 दिन का कितना घंटा होता है? 24 ना, तो 4 1/2 × 24 घंटा, तो 24 घंटा 2 से कितना बार में जाएगा? 12 बार में, तो कितना आ गया? 12 दिन और कितना घंटा? सॉरी 12 डेज और कितना? 4 दिन और 12 घंटा। कहीं में दिक्कत? दोनों क्वेश्चन अच्छा समझ में आ गया ना? तो लिख लीजिए।